हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आपके और हमारे भगवान अर्थात श्री राम, जो रामायण धारावाहिक के में जो राम का रोल निभाया था अरुण गोविल, का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अरुण गोविल जी जो हैं, उन्होंने अपने अरुण गोविल जी से लेकर राम तक का सफ़र कैसे सफ़र ये तय किया और कैसे वो करोड़ों लोगों के भगवान बन गए एकदम। तो ये सब मैं आपको इनके संक्षिप्त जीवन के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे लोगों इन्हें अपना भगवान बना लिया है और लोग आज भी इन्हें पूजते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में अभी एक हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने रामायण जो सीरियल है उसे पुनः से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो कोरोना पैंडेमिक है, लोग घर पर हैं, तो उनके जो सकारात्मक ऊर्जा उनके मन में भरने के लिए ये जो है रामायण का जो कार्यक्रम था वो दूरदर्शन पर दोबारा से स्टार्ट किया गया है। तो उसी में अभी एक आर्टिकल आया था, जो अरुण गोविल हैं वो अपनी विद फैमिली के साथ रामायण को देख रहे थे। तो दोस्तों, ये जो अरुण गोविल जी हैं, जिन्होंने रामायण में राम श्री राम का जो किरदार निभाया है, उनके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद इनके भाई वहाँ इन्हें मिले और इन्होंने वहाँ अभिनय की तलाश में ये गए थे, मगर ये जो भाई था इनके इनके पहले मैं इनके पिताजी का नाम बता देता हूँ आपको। तो जिनके जो भाई थे अरुण जी के, उनका नाम तो था विजय गोविल और जिनके पिताजी थे वो उनका नाम था श्री चंद्र प्रकाश गोविल जी। तो श्री चंद्र प्रकाश गोविल जी ने मुंबई भेजा था इन्हें कि अपने भाई के साथ जो बिजनेस में हाथ बटाएंगे वहाँ थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, मगर इनका जो सरस्वती युद्ध उद्देश्य था वहाँ जाने का, केवल अभिनय करना और वहाँ अभिनय के बारे में वहाँ सोचना, तो इसलिए इनका जो मन है वह बिजनेस में नहीं लगा। उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ काफ़ी प्रयास किए, कोशिशें की कि इन्हें कोई फिल्म या किसी भी तरीके का सीरियल वहाँ मिले। तो 1977 ईस्वी में राजसी प्रोडक्शन की फिल्म थी पहली, तो इस फिल्म में इन्होंने अभिनय करने का सबसे पहला इन्हें मौका मिला था। तो ये उसके बाद जब इन्होंने फिल्म की तो इनके बाद इनकी फिल्म हिट हुई और इनका अच्छा नाम इंडस्ट्री में होता चला गया। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी फिल्में की, जैसे जुदाई, हथकड़ी, दिलवाला, शत्रु, आसमान, सामान को आने दो, इस तरीके की फिल्में की, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तभी एक खबर आई कि जो 1987 ईस्वी के आसपास में जो रामानंद जी सागर जी थे, उन्होंने रामायण धारावाहिक बनाना शुरू किया, अर्थात वो उसकी कास्टिंग कर रहे थे और जो उसमें जो भी कलाकार चाहिए थे उनकी जो इंटरव्यू वगैरह ऑडिशन चल रहे थे। तो इन्हें पता चला कि रामायण की जो है सीरियल एक बनने वाला है, तो ये वहाँ पर गए रामानंद जी के पास और उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये राम जी का किरदार करना चाहते हैं। तो जब ये ऑडिशन देने वहाँ पहुँचे थे तो ऑडिशन में जो इनके पास इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, कारण यह था कि जो रामानंद जी थे उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि जो सर्वगुण संपन्न हो, अर्थात किसी भी तरीके का उसके अंदर दुर्गुण ना हो। तो इनके अंदर एक आदत थी, ये जब वहाँ मुंबई गए तो मुंबई में जो लोग इस तरीके की आदतें पड़ जाती हैं, सिगरेट पीने की, दारू पीने की, इस तरीके की आदत, तो इनके पास एक सिगरेट पीने का लत लग चुकी थी जो कि रामानंद जी को पसंद नहीं आया, तो रामानंद जी ने इनका जो है रिजेक्ट कर दिया था। बाद में इन्होंने उन्हें जो भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि मैं इस सीरियल के करते समय तक कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करने का, अर्थात कि अब मैं आजीवन आपके बाद कभी भी सिगरेट नहीं पीने का, ना ही मैं इस तरीका। फिर उन्होंने उसका उनके सामने जो रामानंद जी ने इनके सामने शर्त रखी कि आप जब तक इस रामायण सीरियल को करोगे तो आपको अपनी छवि जो राम की तरह ही बनानी रखनी पड़ेगी, अर्थात आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, उनकी तरह ही आदर्श गुण अपने अंदर उतारने पड़ेंगे, क्योंकि रामायण सीरियल जो है दोस्तों एक महीना, दो महीना या तीन महीना, एक साल में बन के नहीं है, लगभग 3 साल इसको लगे बनने में, तो इसलिए 3 साल तक उन्हें ऐसा जीवन निभाते रहे, तो फिर उनके अंदर खुद ही इस तरह के गुण आते चले गए, वो खुद ही बदल गए। तो राम का किरदार निभाने के बाद उन्होंने जो रामानंद सागर के और भी प्रोग्राम थे, जैसे विक्रम और बेताल और राजा विक्रमादित्य का किरदार उसमें इन्होंने निभाया था। उसके बाद जो इन्होंने राम का किरदार निभाने के बाद जो लव कुश, कैसे कहूँ, और अपराजिता जैसे कुछ नाटक थे जिन्होंने, ये मतलब सीरियल थे टीवी पर, उसमें भी इन्होंने काम किया, मगर लोगों इसमें क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने इन्हें जब रामायण सीरियल ख़त्म हुआ, इनके पूरे सीरियल वो पूरे दूरदर्शन पर दिया गया, पूरे भारतवर्ष में चलता था, तो लोग बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करते थे, उसे देखते थे।
तो लोगों ने मन ही मन जो अरुण कोविल जी थे आज भी जो उन्हें अपना भगवान मान चुके थे, अर्थात वे जहाँ भी जिस पार्टी में जाते थे वहाँ जहाँ अगर कोई व्यक्ति मिल जाता था साधारण तो उन्हें भगवान समझ के वहीं उनके चरण स्पर्श करने लगते थे, एक तरीके से भगवान मान लिया गया था उन्हें। तो ये बड़ा मुश्किल हुआ था, ये अपनी छवि को मिटा नहीं सके, मतलब कि बाद में किसी तरह का कोई नाटक या फिल्म भी नहीं मिल रही थी क्योंकि इनकी छवि बहुत ज़्यादा वैसी हो चुकी थी, लोग इन्हें भगवान की तरह मानने लगे थे। तो जो लोग फिल्मों में इन्हें देखते थे तो इन्हें पसंद नहीं करते, इनकी छवि को रिजेक्ट कर देते थे कि इन्हें बस केवल भगवान के रूप में ही देखना उन्हें अच्छा लगता था। तो फिर क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने एक्टिंग का करियर इनका ख़त्म होता चला गया, उसके 9-10 साल बाद तक ही टीवी से दुनिया से दूर रहे, जब इन्हें दिखा कि कुछ भी इस तरीके का जो लोग इन्हें वो नहीं। इस बीच कुछ खबरें ये भी आईं कि इन्होंने अपनी छवि बदलने के लिए कुछ बोल्ड सीन किए, ऐसी फिल्में की जिसमें इन्होंने कुछ बोल्ड किरदार निभाए जिससे कि लोगों का छवि इनकी बदल जाए, मगर लोग जो मानने को तैयार नहीं थे। अब तक भी भारत में जो करोड़ों देशवासी हैं वो जो अरुण कोविल जी को उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अर्थात उन्हें अपना भगवान मानते हैं, आज भी उनकी पूजा करते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में जब रामायण धारावाहिक सीरियल दूरदर्शन में स्टार्ट हुआ द्वारा सा, तो बहुत से लोगों ने आरती लेकर थाली लेकर अपनी पूजा करी टीवी के सामने, नहीं तो लोग भूले नहीं। अभी जो अरुण गोविल जी थे एक चमकते सितारे थे और इनके पास काम की कमी नहीं था, परंतु ये जो है इन्होंने अपना फिर एक सोचा कि अब क्या है, जो रामायण में जो लक्ष्मण जी का रोल निभाया था उनका नाम था सुनील लाणी, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने फिर 9-10 साल बाद एक प्रोडक्शन हाउस का निर्माण करा और दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाने इन्होंने स्टार्ट किए। तो ये तो दोस्तों इनका था जीवन अभी तक का, और अब ये जो है अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। मैं इनका आपको फैमिली फोटो दिखा देता हूँ दोस्तों। अब भी जो रामायण सीरियल बना है उसकी जो ये फिल्म अभी चल रही है, तो ये जो आर्टिकल आया था न्यूज़ में कि अरुण गोविल जी और इनकी फैमिली के साथ ये रामायण को देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है जब अपनी कोई बनाया हुआ नाटक की फिल्म कोई देखता है। इनके साथ बहुत से ऐसे किस्से भी हुए कि जब ये किसी शादी या पार्टी में जाते थे तो लोग इन्हें भगवान समझ बैठते थे, इनके स्पर्श चेहरे वो पैर स्पर्श करने लगते थे, वहीं इनकी पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती थी। कई बार एक गाँव में ये कहीं जा रहे थे तो एक व्यक्ति वहाँ जो ऑन रोड गांव था उसमें एक जो टीवी था उसमें रामायण देख रहे थे, तो ये वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और जा करके उस व्यक्ति के पास बैठ गए, तो उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि कोई है, तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये पास में है और वो रामायण देख रहा था, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये राम जी मेरे पास कहाँ जा रहा, और वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और उसने पूरे गाँव में एकदम से ये ढिनोरा फीट दिया कि मेरा घर भगवान आए हैं भगवान आए। तो इस तरीके बहुत से इंसिडेंट इनकी लाइफ में होते हैं, जब भी ये घर से बाहर जाते हैं एक इंसिडेंट होता हो ही जाता है। इनके बाद ये कपिल शर्मा के शो में भी आए और उसमें भी इन्होंने अपनी पूरी जो बातें बताई हैं आप उस शो को भी देख सकते हैं। इनकी फैमिली है, इनके दो बच्चे हैं एक, और इनकी ये जो कपिल शर्मा के शो का एक फोटोज है इसमें ये आए थे, यहाँ इन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं, इनके सामने और भी प्रश्न किए गए थे, आप उस शो को भी देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा अरुण कोविल जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनकी बायोग्राफी बतानी बहुत आवश्यक है। अभी ये इनके बारे में एक आर्टिकल चला तो मैंने ये वीडियो बना दी दोस्तों। हम अपने चैनल पर समय समय पर इस तरह की उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में जाकर के MS नॉलेज हब टाइप कर दीजिए, वहाँ पर आपको MS नॉलेज हब के नाम से चैनल मिलेगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो समय समय पर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के लिंक प्राप्त होते रहेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों मैं समय समय पर जो रोचक वीडियो और जितने भी करंट टॉपिक चल रहे हैं उन पर वीडियो बनाते रहता हूं, और जितने भी आपके जो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जितनी भी शिक्षाप्रद बातें होती हैं वो शेयर करते रहता हूं अपनी वीडियो में, तो आप यूँ ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और आपका स्नेह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।